हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आइए दोस्तों, प्रोनाउन चल रहा था, प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसके पीछे हमें बहुत क्लास चल चुका है, देखिएगा अच्छे से, उसमें हम लोग प्रोनाउन का जो पार्ट है उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन आज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए आपको बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव क्लास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और इसमें दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे बनता है मैं भी बताऊंगा, इसको टिक के साथ बताऊंगा कि आप टिक के साथ कैसे लर्न करना है, टिक के साथ कैसे यूज इसको अप्लाई कैसे करना है, टिक रहेगा तो आप कैसे इसको अच्छे से अप्लाई कर देते हैं, सब इस क्लास में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, टिक भी बताऊंगा। वीडियो के अंदर देखते रहे, आपको अच्छे समझ में आएगा। पिछला क्लास नहीं दिया देखे हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, पिछला क्लास आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता है क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्रमित होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या होता है दोस्तों, संबंध से ही पता चल रहा है कि किसी के बीच संबंध स्थापित करता होगा। संबंधवाचक इसके नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन को क्या करता होगा, ये स्थापित करता होगा, रिलेशन को बनाता होगा किसी बीच में। तो इसका देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन से पता चल जा रहा है आपको कि रिलेटिव क्या संबंध स्थापित करता होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने या का काम करता है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, दैट, व्हाट, ये क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके, हम अच्छे से इसको क्लियर करते जाते हैं एक एक करके कि देखते हैं कैसे होता है, इसका यूज कहां होता है। तो आइए देखिए अब यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन परिभाषा पता चले तो देखिए क्या क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, विच होता है, डैट होता है, व्हाट होता है और वाई होता है। ये दोस्तों जो रिलेटिव प्रोनाउन है मस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मस्ट मस्ट वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह लीजिए तो भी कम है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, एक पे तो मिलता है हु पे और एक कॉन्सेप्ट होता है हुम पे। तो दो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ, उसके बाद दैट, विच और व्हाट, वाई भी बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आप देखिए पहले यहाँ पे, अब आ जाइए देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो कह रहा है हु और हुम का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन हेतु नहीं, क्यों लिविंग नाउन हेतु किया जाता है। मतलब हु और हुम का यूज जो किया जाता है दोस्तों वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, जीवित वस्तुओं के लिए किया जाता है, न कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। तो इतना वो क्लियर चल गया कि हु और हुम का यूज किसके लिए किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स वस्तु या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो जीवित होते हैं उनके लिए व्हाट हु और हुम का यूज किया जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए हु का यूज कहाँ होता है और हुम का यूज कैसे सेंटेंस होता है। देखिए यहाँ पे पहले हु का यूज लिख दिया और हुम का, पहले एक बार देखिए इसको, मैं इसको टिक के द्वारा भी आपको बता दूंगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए इसका क्या कह रहा है, कह रहा है यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। मतलब हु का यूज सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। मैं आपको बता दिया हूँ सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पहला क्लास देखिए तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो हु का यूज होता है दोस्तों सब्जेक्टिव केस में होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस में। और जो हुम का यूज होता है ना, जो हुम का यूज होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, न कि सब्जेक्टिव केस में। हुम का यूज कहाँ होता है, तो हुम का यूज हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, न कि सब्जेक्टिव केस में। तो ये आपको क्लियर हो गया कितना कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हु का यूज कहाँ होता है ये भी पता चल गया और हुम का कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता चल गया। इसके टिक के द्वारा मैं बताऊंगा आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है आई लाइक द बॉय हु, आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर, आई लाइक द बॉय हु हेल्प द पुअर। यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉय, द बॉय यूज हुआ तो ये सब्जेक्ट के रूप में ही हुआ जो है। क्यों सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, क्यों सब्जेक्टिव केस में हुआ है, इसके बाद आप जब देख लेंगे दोस्तों। तो हेल्प, हेल्प के पहले आपको पता है कि जो वर्ब आता है वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप जब सेंटेंस एनालिसिस करते हैं, इंटर में पढ़े होंगे या सेंटेंस एनालिसिस जब मैं कराया था उसमें मैं आपको बता दिया था, सेंटेंस एनालिसिस जो पहला एकदम फर्स्ट क्लास कराया था इंग्लिश का, उसमें सेंटेंस एनालिसिस ही कराया था। सेंटेंस एनालिसिस में मैं बताया था कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट कहाँ से होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, उसमें क्लॉज क्या होता है मैं भी बताया था। आप देखिए क्लास तशीस आपको समझ में आ गया होगा। आइए वही यहाँ पे कह रहा है, देख लीजिए एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ कि सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज क्यों होता है एक्चुअली में। मतलब कैसे पहचानेंगे कि आप सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है, सिंपल सा परिभाषा ये होता है दोस्तों कि सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पे हेल्प, हेल्प क्या है दोस्तों आपको वर्ब है, वर्ब के पहले हुम आया है तो आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया, वर्ब के पहले हुम आया है तो सब्जेक्ट के रूप में ही यूज हुआ, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आते हैं अब इसमें देख लीजिए हुम क्या होता है, तो हुम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, दिस इज द गर्ल्स, दिस इज द गर्ल्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो गर्ल आ गया, गर्ल्स के बीच में हुम का यूज हुआ है, लेकिन इधर देख लेंगे तो इधर फिर नाउन आ गया, फिर ये नाउन ही आ गया और इधर नाउन आ गया, दोनों तरफ नाउन आपको दिख गया, बीच में हुम दिख गया। तो यहाँ पे आप पता ये कर लेंगे कि जो द गर्ल्स है ये सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हो गया, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो गया हुम का। क्लियर,
कैसे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दिस इज द गर्ल्स हुम द ऑल एडमायर्स, यहाँ जो ऑल एडमायर है दोस्तों, ये नाउन आपका होता है, ऑल एडमायर नाउन है, गर्ल्स भी आपको नाउन है, मैं बताया नाउन कैसे पहचाना जाता है, आप ध्यान से देख लिया तो पहचान जाएंगे। और यहाँ पे जो दोस्तों देखते हैं कि जो नाउन है इसके बीच में जो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के केस में ही तो आएगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि जो नाउन के अगर बीच में आता तो नाउन के मतलब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो वर्ब आता है वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब के बाद अगर आता है तो क्या ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे वर्ब नहीं दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ब के पहले आया है, वर्ब के पहले आया था सब्जेक्टिव केस है, इसमें आप देख रहे हैं कि नाउन के पहले आ जा रहा है, नाउन के बाद भी आ रहा है, नाउन की इसके बाद जस्ट नाउन आ जा रहा है, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर हुम के बाद जस्ट नाउन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा, कन्फर्म। मान लीजिए अगर हु के बाद जस्ट नाउन आ जाए तो हु की जगह हुम का यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे आल एडमायर की जगह कोई वर्ब दिया होता तो यहाँ पे हुम यूज नहीं होता, क्या होता, हु यूज होता, वर्ब नहीं आना चाहिए, इतना कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म। अब आइए मैं इसको टिक के द्वारा बताता हूँ लर्न कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो हुम होता है ना, जो हुम होता है इसके पहले एक ही सब्जेक्ट आता है, मतलब एक नाउन आता है, हुम में एक नाउन आता है, यहाँ पे सिंपल सा, हुम में कितना नाउन होता है, एक ही नाउन होता है, जब हुम में एक नाउन दे डायरेक्ट आपको वर्ब मिल जाए, मतलब जब हु में जहाँ हु का यूज हुआ अगर उसके राइट साइड में आपको वर्ब मिल जाए और लेफ्ट साइड में एक नाउन मिल जाए तो समझिएगा कि जो सेंटेंस है वहाँ पे हु का ही यूज है, वो कन्फर्म है, क्लियर है, क्लियर इतना, मतलब यहाँ पे हु का यूज आप एक और टिक ले सकते हैं, हु प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब, ये आपका टिक हो गया कि हु के बाद जस्ट वर्ब आएगा, कन्फर्म, हु के बाद जस्ट वर्ब आएगा, अगर देख लिए सेंटेंस एनालिसिस कर रहे हैं, मान लीजिए सेंटेंस एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हु के बाद वर्ब नहीं आया तो इस समय ध्यान में रखिएगा कि हु के बाद अगर वर्ब नहीं आया तो यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, हु का यूज गलत हो गया। अब आए हैं हुम का यूज, हुम के यूज में आपको टिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो हुम यूज होता है दोस्तों ना, जब हुम यूज होता है तो हुम के दोनों बगल में नाउन का होना जरूरी है, हुम के दोनों साइड में नाउन का होना जरूरी है, अगर हु यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है तो हु के दोनों बगल आपको नाउन मिल जाएगा, मतलब जो हुम आता है उसके दोनों तरफ में आपको क्या मिल जाता है, नाउन मिल जाता है, नाउन दोनों तरफ है तो समझिए कि वहां पे हुम का यूज होगा, हु का नहीं, ये आपका था ट्रिक, ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक हो जाएगा नाउन प्लस हुम प्लस नाउन N1 N2, मतलब आपको दो नाउन मिलेगा अगर उसके बीच में यूज हुआ, यहाँ पे अगर हु यूज हो जाए तो आप देखेंगे कि हु के बाद जस्ट वर्ब आया कि नहीं, अगर हु के बाद जस्ट वर्ब नहीं आया दोस्तों ना तो वहां पे हुम का यूज हो जाएगा, वहां पे हु का यूज नहीं होगा, हु के बाद जस्ट वर्ब आना चाहिए, क्लियर हो गया, ट्रिक आपका था, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान रखिए, ट्रिक एक बार और देख लीजिएगा, हु के बाद जस्ट वर्ब आता है, ये आपका ट्रिक था, हु के पहले एक नाउन आना चाहिए, हु के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक था, हुम के बाद और पहले नाउन आना जरूरी है, हुम के दोनों बगल में नाउन होना चाहिए, अगर दोनों बगल में नाउन है तो क्या है, आपका सेंटेंस हुम का यूज होगा, हु का यूज नहीं होगा, क्लियर। अब आइए एक और एक देख लीजिए, एक क्या है, कह रहा है व्हेन आई थिंक्स यू थिंक्स ईटीसी, जब आई थिंक्स और यू थिंक्स का और इत्यादि का यूज आता हो तो उसे छोड़ देते हैं और हु का यूज करते हैं, देख लीजिए कैसे, मैं आपको बताया हूं, क्या कह रहा है कि दिस इज द बॉय, एक तो यहाँ पे आपको नाउन मिल गया, क्या बॉय, और यहाँ पे हुम का यूज का है, आप कहेंगे कि यहाँ पे हमको आई भी क्या है, आई भी नाउन है, दोस्तों ये सही है कि आई आपका नाउन है, लेकिन जो आई थिंक्स है ना, यहाँ पे आई थिंक्स का बात कर रहा है न कि आई का बात कर रहा है, यहाँ पे आई थिंक का बात कर रहा है न कि सिंपल आई का बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो आई थिंक है ना ये आपका वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे जो आई थिंक बन जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, नाउन कहाँ से रहेगा, जब नाउन आई का बात करता तो नाउन रहता है, यहाँ पे आई थिंक्स की बात कर दिया तो वर्ब हो गया, मैं अभी बताया हूँ आई थिंक्स, यू थिंक्स, ही थिंक्स, सी थिंक्स, मतलब कोई भी आ जाए नाउन के साथ अगर थिंग्स का यूज होता है तो उसके बाद जस्ट पहले आप हु का यूज करते हैं तो यहाँ पे हुम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका हु का यूज होगा, क्यों हु का यूज होगा दोस्तों, ये वर्ब हो गया, आई थिंक्स वर्ब हो गया, जब ये वर्ब आई थिंक्स यहाँ पे वर्ब मान लीजिए इसको निगलेक्ट जब कर देंगे तो यहाँ पे इज वर्ब आपका हो गया, तो आई थिंक्स को आप निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, आई थिंक्स तो यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में हु का यूज हो जाएगा, कन्फर्म। तो आइए चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब आइए देखिए इसमें कुछ और बच्चा रिलेटिव प्रोनाउन में इसको और सीख लेते हैं, देखिए क्या है, विच और दैट के बारे में यूज सीख लेते हैं, विच और दैट का यूज कहाँ होता है, ध्यान से देखिएगा, विच का यूज देखिए, कह रहा है विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन से होता है, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है न कि लिविंग थिंग्स के लिए, इतना आपको ध्यान रखना है कि विच का जो प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, निजी वस्तुओं के लिए होता है या वस्तुओं के लिए होता है या व्यक्तियों के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं, कन्फर्म, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे अच्छे से, देखिए इसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज यूजलेस, मतलब जो बुक खरीदा था यस्टरडे जो खरीदा था क्या था, यूजलेस है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विच का जो प्रयोग हुआ है द बुक के लिए नॉन लिविंग, द बुक क्या है दोस्तों, तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, द बुक नॉन लिविंग थिंग्स है ना, इसीलिए इसके साथ विच का प्रयोग हो गया, कंफर्म। सेकंड एग्जांपल जब देख लेंगे तो कह रहा है द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इन हियर्स,
तो यहाँ का यूज जब हम देखेंगे, जो यहाँ पे यूज का यूज हुआ है देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुआ है कि लिविंग थिंग्स के लिए। अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुआ है तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, लिविंग थिंग्स के लिए हुआ है सेंटेंस गलत है। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो देखेंगे कह रहा है द हाउस, द हाउस क्या है दोस्तों, तो द हाउस आपका नॉन लिविंग थिंग्स है ना, द हाउस, द हाउस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसके साथ विच का यूज हो गया। तो कंफर्म हो गया, विच तो आपका कंफर्म हो गया नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, द बुक और द हाउस दोनों नॉन लिविंग थिंग्स, विच का यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। अब आते हैं दैट का यूज, देख ले दैट का यूज बहुत सही है, एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। तो देखिए कह रहा है दैट का यूज नॉन लिविंग और लिविंग नाउंस के लिए सिंगुलर या प्लुरल दोनों नाउंस में होता है। जैसे विच का तो प्रयोग आप पढ़े हैं कि बस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन दैट का जो यूज होता है ना, दैट का जो यूज होता है दोस्तों वो नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए सिंगुलर या प्लुरल नाउंस दोनों में ही यूज होता है। वो या सिंगुलर नाउन हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आपका यूज होता है दैट का। अब देखते हैं कैसे यूज होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं बताया क्या, दैट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग दोनों नाउंस के लिए होता है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए कर आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गिव मी, I have lost the book. The book आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे the book आ गया, the book क्या है non living things है, that का यूज हो गया, you gave me, कोई दिक्कत नहीं, singular noun है, singular है ना the book, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएंगे he, that is, content is, happy, तो यहाँ पे दोस्तों जब देखेंगे कि he living things आ गया, ही कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो लिविंग थिंग्स आ गया, इसके लिए आप दैट का यूज कर दिए। इज क्या है, ही भी आपका सिंगुलर के लिए आ गया, इसके लिए दैट का यूज कर दिए। तो ये दोस्तों जो दैट का यूज है नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ होता है, सिंगुलर प्लुरल कोई हो कोई दिक्कत नहीं है, दैट का यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कन्फर्म। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड वाले में, देख लेते हैं ये वाला, देखिए कर आए दैट के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है। सही बात है दोस्तों, दैट के पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, ये आपका रूल है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कंफर्म हो गया। अगर मान लीजिए सेंटेंस यहाँ पे लिखा कर रहा है वी नो द होटल दैट सी लिव्स इन, तो वी नो द होटल दैट सी लिव्स इन, तो यहाँ पे दोस्तों द होटल क्या है आपका, द होटल नॉन लिविंग थिंग्स आ गया, मैं बताया नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के साथ दैट का यूज होता है, दैट आ गया। अगर दैट के पहले द होटल इन दैट अगर द होटल इन दैट आ जाता या इट दैट आ जाता, कोई भी प्रीपोजिशन यूज होता था, दैट के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, प्रीपोजिशन लगाया नहीं जाता है, ये आपका कन्फर्म हो गया एग्जाम्पल के द्वारा। अब आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एवरीथिंग्स नथिंग्स द ओनली एनी ऑल एवरीवन नॉन नो नोबडी मच लिटिल द सेम द फ्यू द लिटिल के बाद दैट का यूज होता है। जो ये आपका है ना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है। डैट का यूज भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विच का यूज मैं बताया हूँ कि अभी मैं बता रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन आपका मस्ट, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मैं बता दिया विच से आता है, ये भी बता दिया डैट से क्वेश्चन बनता है, मैं ये भी बता दिया, और आपका जो हु और होम से उससे तो बहुत क्वेश्चन बनता है, 95% रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं उसको अच्छे से बता दिया। अब आइए कह रहा है एवरीथिंग्स नथिंग्स द ओनली, इतना जो लिखा इसके साथ क्या होता है, फ्यू Little, इसके साथ जस्ट इसके बाद the का that का यूज हो जाता है, इसके बाद that का यूज हो जाता है। जैसे my father has given me everything that I needed, मतलब मेरे पिता मुझे हर वह वस्तुएं देते हैं जो मुझे जरूरत होती है, तो एवरीथिंग्स के बाद दैट का यूज हो गया, एवरीथिंग्स के बाद दैट का यूज। इतना ध्यान में रखिएगा, जब एवरीथिंग नथिंग द ओनली ऑल एवरी वन नॉन नो बडी मच लिटिल द सेम द फ्यू और द लिटिल आ जाती है, इसके बाद दैट का यूज होता है, न कि विच का, तो कन्फर्म हो गया। आई होप दोस्तों मैं कोशिश किया समझाने की, अगर नहीं समझा तो वीडियो के बारे में देखिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ आपको अच्छा से अच्छा समझाने के लिए, हर एक रूल देने के लिए जो एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताया था उतना ही क्वेश्चन उतना ही रूल मैं आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट मस्ट अभी तक जो आप पढ़ लिए होंगे, अगर उसमें से देखिएगा क्वेश्चन उठा के किसी भी एग्जाम का जिसमें पूछता है इंग्लिश, उसमें देखिएगा क्वेश्चन आपका 100% मैच होता होगा इससे, जितना रूल पड़े हैं। तो अगर दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल वीडियो पहली बार देखो, चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन देखेगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए, बेल आइकन प्रेस को क्यों कीजिएगा, क्योंकि सुबह 6 बजे आपको मिलता है करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन, 7 बजे मिलता है इंग्लिश की क्लासेस जो बेसिक्स एकदम चल रही है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश एकदम नहीं समझ में आता, एक बार वीडियो देख के देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर क्लास आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रॉफिट हुआ होगा, रेगुलर क्लास देख रहे हैं। क्लास अगर रेगुलर नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ छोड़ देखेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, आप बस टाइम पास कर रहे हैं। तो क्लास देख रहे हैं तो रेगुलर देखिए, वरना टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं बनता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए, और शाम को 5 बजे आपको मैथ खजाना मिलता है, मैथ टिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।